हेलो फ्रेंड्स, मैं रबानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, ये वर्किंग कैसे करती है, इसके फंक्शंस क्या है और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनने के लिए और इसका टेन्योर कितना रहता है। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस कमीशन कौन से पार्ट में आता है। तो ये पार्ट 12 में आता है। एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे ही मैं आपको पढ़ाता हूँ बताता हूँ। तो ये पार्ट 12 में आता है। इसके अलावा अब आर्टिकल्स की बात करूं मैं, आर्टिकल्स तो आर्टिकल यहाँ पे जो डील करते हैं वो 264 से लेकर के 300 तक करते हैं। आर्टिकल 264 से 300 तक डील करते हैं। और जो ये फाइनेंस कमीशन है, तो फाइनेंस कमीशन का जो एक आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल कौन सा, एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन जब पूछता है तो वो आर्टिकल 280 है। इसके अलावा मैं अभी एक क्वेश्चन बोलता हूं, जो अभी एचएएस में पूछा गया था रिसेंटली 2020 में, कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, नेचर ऑफ फाइनेंस कमीशन, इसका जो नेचर है वो एडवाइजरी है, एडवाइजरी नेचर है इसका फ्रेंड्स। और ये जो फाइनेंस कमीशन है ना, इसे कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, तो इसे कॉन्स्टिट्यूट जो करता है वो प्रेसिडेंट करता है, और वो हर 5 साल के बाद इसे कॉन्स्टिट्यूट करता है, अपॉइंट भी वही करता है हर 5 साल के बाद। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एवरी 5 ईयर। हर 5 साल के बाद जो इसे कॉन्स्टिट्यूट करता है वो प्रेसिडेंट करता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इसकी अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो 4 मेंबर्स होते हैं और एक जो होता है इसका चेयरपर्सन होता है। सो फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स। तो और इनको अपॉइंट कौन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, तो इनको जो अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट जो है इसको अपॉइंट करता है, और ये जो अपनी रिपोर्ट जो है ना वो भी प्रेसिडेंट को ही सबमिट करते हैं। फाइनेंस कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। ये जो अपनी रिपोर्ट होती है ना वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। इसके अलावा ये जो अपॉइंटमेंट होती है इनकी वो रहती है प्रेसिडेंट द्वारा होती है। इसके अलावा इनका जो टेन्योर वो रहता है ना वो 5 साल का चलता है, 5 साल का। और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर ये इनका टेन्योर खत्म हो जाए तो ये दोबारा से फिर से री अपॉइंट हो सकते हैं, एलिजिबल होते हैं ये। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आगे मैं अगर बात करूं कि इंडिया की जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन थी ना वो किनकी थी और कब से लेकर के कब तक थी। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब से लेके कब तक चली थी। वो तो चली थी जब से गवर्नमेंट बनी थी, 1952 से लेकर के 1957 तक। और ये जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन थी ये किन की थी, इसके जो हेड थे वो कौन थे, वो थे केसी नियोगी फ्रेंड्स। और अभी कौन सा फाइनेंस चल रहा, फाइनेंस कमीशन चल रही है, अभी चल रही है 15th। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, तो 15th की अगर मैं बात करूं तो ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे हायर हो या सी डी किसी भी लेवल के। तो अभी जो चल रही है 15th, और उसके हेड जो है वो है एनके सिंह। अभी मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं जो सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है, 14th किसकी थी, वो आपको बता देंगे। 14th, 13th, 12th आपको अरेंज करना है कि कौन सी कमीशन का हेड कौन था। तो 14th की अगर मैं बात करूं तो वाईवी रेड्डी। अब मैं बात करूं इसके अलावा 13th कमीशन, ये आपको पता होनी चाहिए अगर आप सिविल कर रहे हो ना हायर एग्जाम्स, तो आपको पिछली भी पता होनी चाहिए। ये तो करंट में चल रही है वाईवी एनके सिंह, वाईवी रेड्डी भी है क्योंकि इसका जो अभी खत्म हुआ 2020 में इसका टेन्योर। जो 13 है ना वो डॉक्टर विजय केलर, तो अगर इसके अलावा मैं 12th की भी बात करूं, इससे ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, 12th तक ही करता हूं। जो इसके 12th की जो चेयरमैन थे वो थे सी रंगाराम, रंगाराम। और हायर एग्जाम्स में जब जाओगे आप ना,
ये चारों ऑप्शंस दिए होंगे, तो इनके साथ कौन सी फाइनेंस कमीशन जो है डील करती है वो आपको अरेंज करना पड़ेगा, और उसके आंसर्स भी उसी हिसाब से बनते हैं अगर आपको इन सब चीजों का मालूम है। अब मैं बात करता हूं आपसे 15th की। ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है ना, इसके जो हेड है वो चेयरपर्सन वो है एनके सिंह, और ये 15th का जो टेन्योर है ना वो 2020 से लेकर के 25 तक है, 2025 तक इसका चलेगा। वाईवी रेड्डी का जो अभी समाप्त हुआ कार्यकाल वो 2020 में हुआ, 2015 से 2020 तक था, इसका जो 2020 से 25 तक है, और इसको जो अपॉइंट किसने किया, प्रेसिडेंट ने किया। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है। तो फ्रेंड्स अब इसके अलावा बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या होती है अगर आपको इसका मेंबर बनना है फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन के चार मेंबर्स होते हैं और एक जो होता है एक चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन जो है वो है एनके सिंह। फ्रेंड्स आपको क्वालिफिकेशंस भी पता होनी चाहिए कि क्या क्वालिफिकेशंस रहती हैं। चार ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या पता आपको इन चार ऑप्शंस में से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़े, अगर आपने पढ़ा हो तो ही आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले या तो वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज के बराबर जो मेंबर बनना चाहते हैं फाइनेंस कमीशन में। अगर सेकंड में बात करूं अ पर्सन उस जिसे स्पेशल नॉलेज हो, किसका नॉलेज हो, फाइनेंस का और अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट का, ये जो स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा मैं थर्ड और फोर्थ की भी बात करता हूं। अब इसके अलावा मैं अगर बात करूं फ्रेंड्स, अ पर्सन हु हैज अ बिट एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, जिनको फाइनेंस की अच्छी एक्सपीरियंस हो और एडमिनिस्ट्रेशन की भी अच्छी नॉलेज हो। तो फोर्थ अगर मैं बात करूं स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इंसान होता है जो मेंबर बनना चाहता है उसे जो नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। तो ये चार क्राइटेरिया रहते हैं अगर आपको फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहती है, क्या नॉलेज, या तो हाई कोर्ट के जज के बराबर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या आप हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। सेकंड आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आपको इन सब चीजों में से फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनना है। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूं इसके फंक्शंस की। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फंक्शंस की। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो फाइनेंस कमीशन को जो जरूरत होती है टू मेक प्रायर रिकमेंडेशन और टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसके लिए कुछ एक केसेस होते हैं, चाहे वो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सेंटर और स्टेट का, या स्पेशल अलाउंस हो, या फिर जो ग्रांट्स जो होती हैं वो दी जाती हैं स्टेट्स को, तो वो कौन से फंड से दी जाती हैं। तो आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रांट्स टू स्टेट, जो ये ग्रांट्स दी जाती है ना स्टेट्स को, ये जो दी जाती है ये दी जाती है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से फंड से दी जाती है। तो ये जो दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो ग्रांट्स दी जाती हैं ये दी जाती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और फ्रेंड्स एक और चीज पूछी जाती है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, कंसोलिडेटेड फंड ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल आपको याद रखने 266। कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि पब्लिक अकाउंट भी आता है वो 267 में आता है और कॉन्सिजेंसी फंड जो आता है वो 267A में आता है। तो यहां से कई बार कंफ्यूजन होती है, आपको भूलना नहीं है वो आर्टिकल 266 है जो कंसोलिडेटेड फंड के साथ डील करता है। मैं बात करूं 1960 की, मैं बात करूं ये क्वेश्चन पूछा जाता है एलोकेशंस ऑफ ग्रांट्स जो दिया गया था उस टाइम पे चार स्टेट्स को दिया गया था, एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स ये जो ग्रांट्स का स्टेटस दिया गया था उस टाइम पे, ये स्पेशली दिया गया था असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। ये जो एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स जो दिया गया था उस टाइम पे 1960 में, ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से स्टेट्स को दिया गया है, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड लास्ट बिहार। सो फ्रेंड्स अब मैं लास्ट जो बात कर रहा हूं वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। ये जो शेयर किया जाएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स का जो शेयर होगा वो सेंटर के बीच में होगा, सेंटर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच होता है। और ये कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन जो ये भी इसकी देखरेख करता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो फ्रेंड्स अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पीसीएस कर रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहे हो,
तो रेगुलरली मेरे वीडियोस देखा करें, क्योंकि मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही आपको पढ़ाता हूँ जो एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, क्योंकि मैं खुद भी लास्ट के 2 साल से जो हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर भी रहा हूँ, एग्जाम्स भी देता रहा हूँ, चाहे वो प्री मेंस हो। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं।